अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो ये ब्लॉग मैंने डाला है शबे रात से नेक्स्ट डे का। तो मुझे जाना था अपने घर, तो हम वहीं जा रहे हैं मॉर्निंग में। और टाइम हो रहा है 8:30 से 9 बजे के बीच का टाइम है ये। तो 1 से 1.5 घंटा हमें मिनिमम लग जाता है और वहाँ पहुँचते। तो ये रास्ते में इतनी ग्रीनरी जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था मॉर्निंग में। और ये वहाँ पे एक नहर थी और बहुत ही फ्रेश फील हो रहा था मॉर्निंग में। इतना प्यारा नज़ारा, इतना प्यारा व्यू, इतनी ग्रीनरी। और ये देखें चारों तरफ गेहूं के फसल जो कि अभी आ रही थी, तो चारों तरफ गेहूं ही दिखाई दे रहे थे खेतों में। और इतना हम मॉर्निंग के टाइम आए थे कि शॉप वगैरह भी अभी खुली नहीं थी। और ये था वहाँ पास में ही साईं मंदिर, और ये एक और मंदिर था उसके सामने। और ये एक रिवर थी वहाँ पर जो कि काफ़ी लंबी थी बट सूखी हुई थी। और ये स्कूल वो है जिसमें मेरा भाई पढ़ता था, जो कि पास में ही था बट बस आती थी स्कूल के लिए। और ये यहाँ पर काफ़ी सारे खेत थे और बाग वगैरह थे यहाँ पर, जो कि सब कट के अभी प्लॉटिंग हो गई है। तो बहुत सारे बाग वगैरह यहाँ से ख़त्म हो चुके हैं और यहाँ पे प्लॉटिंग हो चुकी है। तो अब हम पहुँच गए हैं अपने घर। और ये मैं बैल बजाने लगी हूँ। नीचे ग्राउंड फ्लोर पे मेरे भाई की शॉप है और फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, तो इस वजह से थोड़ा टाइम लगता है गेट को ओपन करने में। तो फिर देखें मेरी मम्मी आई हैं गेट खोलने के लिए। तो ये मेरा भाई है और कुछ बात कर रही हूँ अपने भाई से। तो कुछ मस्ती कर रही हूँ। और ये हम जा रहे हैं ऊपर क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे मेरे भाई की शॉप है, मैंने बताया था, इसलिए फर्स्ट फ्लोर पे हम रहते हैं। तो वहीं पर हम ऊपर आ गए हैं। और जैसे कि आज का रोज़ा था और शबे रात में सब जागे हुए हैं रात में, तो मेरी सिस्टर को नींद आ रही थी और ये नींद से ही उठ के आई थी। अब हम वहाँ से कुछ टाइम रुक के, क्योंकि मेरे हस्बैंड का भी रोज़ा था और मुझे जाना था डॉक्टर के यहाँ, तो हम हापुड़ जा रहे हैं। और ये आलू यहाँ पर निकाल रहे थे, ये खेत है आलू का, यहाँ पे आलू निकाल रहे थे ये देखें। और यहाँ पे बहुत सारे कोल्ड स्टोरेज भी थे, कोल्ड स्टोर जो होते हैं जिसमें सब्जियों को स्टोर किया जाता है, फ्रूट्स को। तो यहाँ से निकाल के आलू वगैरह फ्रूट्स वगैरह तो वो वहीं पर स्टोर किए जा रहे थे। ये देखें यहाँ पर भी काफ़ी प्लॉटिंग वगैरह हो रही थी, यहाँ पर भी अभी हमने एंट्री कर दी है हापुड़ में, जो कि मुझे अल्ट्रासाउंड कराना था यहाँ पर। ये देखें यहाँ हम अपने नंबर का वेट कर रहे हैं। और यहाँ पर काफ़ी भीड़ थी, 47 हमारा नंबर था। ये मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं, तो काफ़ी सारे हमसे पहले भी काफ़ी लोग यहाँ पर बैठे हुए थे वेटिंग में। तो
ये पानी मैंने रखा हुआ है क्योंकि अल्ट्रासाउंड में पानी पीना होता है, इसलिए आज का रोज़ा मेरा छूट गया था और अल्ट्रासाउंड मेरा हो चुका है, रिपोर्ट्स मुझे मिल चुकी हैं। तो अब हम वापस जाने लगे हैं घर, क्योंकि मैंने अपने बेटे को वहीं पर छोड़ दिया था और फिर हम यहाँ के लिए निकले थे हापुड़ के लिए। तो हमारा यहाँ का काम हो गया है, रिपोर्ट्स वगैरह हमें मिल गई है, तो अब हम निकलेंगे घर के लिए। इधर की साइड बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी है और स्पेस भी है काफ़ी, और पोल्यूशन भी इतना नहीं है यहाँ पर, क्योंकि देखें यहाँ पर रोड पर इतना ट्रैफिक वगैरह है नहीं यहाँ पर, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा स्पेस है। और यहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स थे और ये हम रिपोर्ट्स लेकर घर वापस आ गए हैं। और मेरे हस्बैंड रोजेस से भी थे और बहुत ही ज़्यादा गर्मी भी थी आज। तो अब शाम का टाइम हो गया है, रोज़ा इफ्तार का टाइम, तो सभी घर में रोजे से थे। तो मेरी सिस्टर ने इतनी सारी प्रिपरेशन करके रखी थी, इतना सारा कुछ बनाया था खाने में। तो अभी हम रोज़ा इफ्तार कर रहे हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड ज़्यादातर बाहर थे मेरे साथ धूप में, तो उन्हें बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई थी। और घर में भी वहाँ पर सभी रोज़े से थे, तो हम सभी ने साथ बैठकर इफ्तार किया था। और ये छोले बनाए थे, छोले की चाट मेरी सिस्टर ने, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। और वहाँ पर भी सभी रोज़े से थे, मेरी सिस्टर भी, अम्मी भी, बट फिर भी उसने इतनी सारी चीज़ें बनाई हुई थी जिसमें वो खुद भी रोज़े से थी। तो ये हमारा रोज़ा इफ्तार हो चुका है, इसके बाद में मेरी सिस्टर ने बिरयानी भी बनाई थी। तो आपने इस तरह से कभी कचरी के ऊपर छोले की चाट रख के कभी ट्राई की है? एक बार करके ज़रूर देखना, बहुत टेस्टी लगती है। ये देखें तो हम ऐसे करके इसको खा रहे थे, बहुत टेस्टी लगती है, क्रंची और थोड़ा चटपटा स्पाइसी। तो हमने फिर उसके बाद में नमाज़ पढ़ी थी रोज़ा इफ्तार करने के बाद, और फिर अब हम खाना खाने लगे हैं। क्योंकि बिरयानी बहुत टेस्टी बन रही थी, तो हम सभी बैठकर साथ में खाना खा रहे थे नमाज़ पढ़ने के बाद। और ये देखें मेरी बहन सिस्टर इधर छुपकर बैठी हुई थी मैं थोड़ा सा आपको होम टूर करा देती हूँ अपने घर का। ये देखें यहाँ पे ये सेकंड फ्लोर पर है, एक इससे पहले भी फ्लोर पर हम रहते हैं, ये उससे ऊपर सेकंड फ्लोर है, किचन यहीं पर
है हमारा। तो ये एक रूम यहाँ पर है, तो उस रूम की मैंने इसलिए वीडियो नहीं शूट की थी क्योंकि मेरा भाई सो रहा था। ये मॉर्निंग की वीडियो है। और ये सेकंड रूम है इसी फ्लोर का। और ये किचन है, किचन भी बहुत प्यारी है। यहाँ काफी सारे ड्रॉर हैं। तो इसके बाहर पे यहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स रखे हुए हैं, इंडोर प्लांट्स। और ये मैं जाने लगी हूँ अब छत पे। और ये आ गए हैं हम छत पर। तो एक यहाँ पर चारपाई यहाँ रखी हुई है। हम जाते हैं थोड़ी बहुत देर, हमें यहाँ पर बैठना होता है रात में या कभी हम आके बैठ जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये रखी हुई है। और छत भी एकदम क्लीन हो रखी थी। इतना एकदम क्लीन रहती है छत, कभी भी अगर आप चले जाओ, जैसे देखा होगा आपने मोस्टली कोई आता नहीं है छत पे ज़्यादा, तो गंदी पड़ी हुई होती है बहुत। घरों में ऐसे ही होता है कि छतें गंदी पड़ी रहती हैं कि यूज़ नहीं आती हैं, तो उन्हें साफ भी नहीं किया जाता है। बट मेरी अम्मी को क्लीनिंग बहुत ज़्यादा पसंद है और उन्हीं की तरह हम सारी बहनें भी बहुत ज़्यादा क्लीनिंग करते हैं, जितना ज़्यादा हमसे हो सकता है उतना। और ये देखें, जाल को हमने कवर करके रखा है थोड़ा सा, क्योंकि डस्ट वगैरह जाती है यहाँ से। अब इसके ऊपर भी एक छत है छोटी सी, और ये यहाँ पर प्लॉट है हमारा और हमारी ही बाइक यहाँ पर खड़ी हुई है। और ये देखें, ये है हमारी क्यूट सी एली, ये यहाँ पर छुपकर बैठी है। तो हमारी टैंकी यहाँ पर रखी हुई है, तो ये देखें यहाँ पर छुपकर बैठी है। ये देखें सारा ये बैक साइड का पोर्शन है, और ऑन रोड हमारा घर है वहाँ पर, तो हमेशा इसलिए बैक साइड से बाइक्स का इनका शोर आता रहता है। बट यहाँ पर मन बहुत ज़्यादा लगता है। देखें ये बराबर में कोई घर बन रहा था पड़ोस में यहाँ पर भी। और शाम में तो यहाँ पर और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये देखें, ये है घर का फ्रंट साइड, और ये से नीचे वाली छत जहाँ पर अभी हम थे कुछ देर पहले,
तो ये है यहाँ का मॉर्निंग का व्यू, और ये 7 बज रहे थे सुबह के। अब मैं इसे लेकर नीचे जाऊंगी, और अगर आज की वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।